जिनके आंगन में सत्ता का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कुछ इसी अंदाज में चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का फरमान है कि कोई भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेगा, अगर कोई प्लास्टिक पॉलिथीन का प्रयोग करते पकड़ा जाए तो उसे सजा सुनाओ और जुर्माना वसूल करो। मगर ये क्या खुलेआम प्लास्टिक का प्रयोग, सत्ता के अर्दली प्लास्टिक के गिलास में पानी पी रहे हैं। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अमेठी में हाकिम हुक्मरान ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, या यूं कहें अमेठी प्रशासन ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगा रहा है। दरअसल ये तस्वीर है डीएम अमेठी के कार्यालय की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह एवं पर्यटन अधिकारी अवनीश अवस्थी पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के कसीदे पढ़ रहे हैं। वहीं इसी परिसर में लोग प्लास्टिक के गिलास में पानी पी रहे हैं। यहाँ गलती पानी पीने वाले मेहमानों की नहीं बल्कि मेजबानों की है जिन्होंने इंतजाम किया है। अब अहम सवाल ये है कि प्लास्टिक और पॉलिथीन के प्रयोग पर जनता से जुर्माना वसूलने वालों के लिए क्या नियम कानून मायने नहीं रखता? अगर रखता है तो अमेठी प्रशासन पर कार्रवाई क्यों नहीं? एनडीटीवी भारत के लिए अमेठी से मोहम्मद तौफीक की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।